पापा जी, राविका ना खेलने में मन लगता है, ना ही दोस्तों के साथ घूमने में। उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप उसे समझाइए ना। क्या समझाऊं पुत्र? पुत्र, तू ना उसका ध्यान रखा कर, फिर वो पहले जैसी फिर से चंगी हो जाएगी। फिर वो सबके साथ खेलेगी? हाँ पुत्र, वो सबके साथ खेलेगी। मैं ना आपको ऐसे उठाया करूंगी जी। हाँ ओए प्रीतो, और तू ना मेरी नींद की दुश्मन है। ओए अगर तू मुझे थोड़ी देर से और जगाती ना, तो 1,000 रुपए की कट्टी ना मेरे हाथ में लगने वाली थी। ओए सड़क पर पड़ी थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन ऐन मौके पे आके ना तूने मेरा सपना तोड़ दिया। सपने से हकीकत में आओ और मेरी तरकीब आजमाओ, और फिर ये सपने अपने आप अपने हो जाएंगे। हाय, फिर ये रविंदर भवन, ये तिजोरी सब अपनी हो जाएगी। और जब ये सब अपनी हो जाएगी तो तुम दिन भर सो उठो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा जी। ओ प्रीतो, तो ऐसी बात है, और फिर तो जल्दी बता। ओ भाई, ऐसी कौन सी तरकीब है, और जरा हमें भी तो पता चले। ओ प्रीतो, ओ तू तो तरकीबों की अम्मा है। वही अब रविंदर गया उधर और भवन आया इधर। ओ जी, कहने से कुछ नहीं होगा, जो सुना है ना उसे सच करो। हाँ ओ प्रीतो, तूने ना अंधे की आंखें खोल दी। मेरे कहने का मतलब है, तूने ना रंजीत की आंखें खोल दी। अब देख मेरा धमाल। ओ प्रीतो, तू साइड हो, भीड़ मत बढ़ा, हट। सर्वान 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 धर्मपुरा के लोगों के लिए 5,000 रुपए जीतने का मौका मौका। आइए और अपना नाम बताइए और पाइए 5,000। हारे तो 1 साल तक का खाना पीना एकदम फ्री। और कोई पिंड में तुम्हारा ऐसा पट्टा जो कर दे मेरे पहलवान को ठंडा। आइए आइए 5,000 5,000 5,000। ओ वाह प्रीतो वाह, वो क्या तरकीब सोची है, वो जवाब नहीं तुहाडी तरकीब दा। ओए बस कर भाई बस, अब तेरा काम खत्म। ओ ये भोपू रख साइड में और अपने पहलवान को उठा और उन्नू बोल, मैदान विच रंजीत सिंह आ गया है। तो सालवान मेहरबान कदरदान हो जाइए, एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार। और हमारे दूसरे पहलवान हैं आपके पिंड के रंजीत सिंह।
रंजित 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 रंजित। तुझे देखकर तो लगता नहीं कि तू कभी अखाड़े के आसपास से भी गुजरा हो। ओ भाई, तो तुझे देख के भी मुझे पता है कैसा लग रहा है कि कभी तेरा टंके पहलवान से ना पाला ही नहीं पड़ा है। ऐसा होता है ढंग का पहलवान? कोई और कैसा होता है भाई? अबे ओए, कुश्ती की शर्त सुन ली है ना बराबर? ओ फिर से बता दो। जीता को 5,000 रुपए और हारा तो 1 साल के लिए मेरी तरफ से रहना खाना और सोना फ्री। ओ बस कर भाई बस कर, तेरी सुन ली मैंने, अब ना तू मेरी सुन। हाँ, और सुबह 10 बजे उठते ही ना एक अदरक वाली चाय, 15 मिनट के बाद एक कड़क कॉफी, और लंच में एक दाल, 2 सब्जी, 3 अचार, 4 चटनी, 5 रोटी और बड़ा वाला गिलास लस्सी का, और रात के खाने में ना ये आदमी तो पूरा गधा लगता है। यहाँ जीतने नहीं बल्कि मुफ्त में खाने पीने और रहने आया है। ओ भाई, ओ मुझे पता क्या लग रहा है, तू ना डर गया है। हाँ, अब आगे का तो सुन ले। और रात में 10 बजे सोने से पहले ना केसर वाला दूध, वो भी बड़ा लोटा भर के। ओए, राती सोन वास्ते चारपाई ते कंबल नहीं चाहिए? ओ भाई, तू चारपाई और कंबल ना अपने पास ही रख। और ये बता, तुझे शर्त मंजूर है? ओ जी मंजूर है, जी मंजूर है, पूरी तरह मंजूर है। रंजित 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 रंजित। रितो, नाटक शुरू करते। अरे रविंदर पुत्र, ओ रविंदर पुत्र, हाय किथे है तू रविंदर पुत्र? क्या हुआ चाची? अरे रविंदर पुत्र, क्या हुआ चाची? ओए पुत्र, तेनु पता है तेरे रंजीत चाचू है ना 5 मिनट का बोल के गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। हाय, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है जी। पुत्र, कहीं वो फंस तो नहीं गए? चाची, चाचू किसी दोस्त के पास गए होंगे, आप परेशान मत होना। ओए पुत्र, चल ना, हम तेरे चाचू को ढूंढते हैं। ठीक है चाची, आप रोइए मत, चलिए। मिक्की के पापा की रक्षा करना वाहेगुरु, चल पुत्र। तो अब शुरू हो रहा है कुश्ती का जोरदार मुकाबला। पहला जो जीत गए तालियां। बाजी एनु दिखा दो कि धर्मपुरा के पानी में की गुड़ है। ओए पाजी, इस पहलवान की अकड़ आज मिट्टी में मिला दो। ओए पाई, और रुक जा थोड़ी देर, वो क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है? ओए, ये प्रीत तो अब तक क्यों नहीं आई?
तो प्रीतो तो जल्दी से आ जा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ओए, इधर उधर क्या देख रहा है? कुश्ती लड़ने आया है, कुश्ती लड़, चल आज तेरी तो। ओए ओए यारा, आंटी जी एक बहुत तगड़ा पहलवान आया है और रंजीत अंकल उससे कुश्ती लड़ रहे हैं। हाय, इन्होंने ये क्या कर दिया? रविंदर पुत्र, तेरे रंजीत चाचू तो गए। अब ना तू ही उनको बचा सकता है, हाँ? चाची, आप घबराइए मत, चलिए। चलो, चलो। ओ मेरे यारा, ओ रुक जा यार। ओ ये कुश्ती है, वो कोई शादी का मोहरत थोड़ी है, जो बीत जाएगा। ओ वैसे भी ना, ओ मुझे तुझसे एक दो बातें और करनी है। कौन सी बात? ओ भाई, वो बात तो छोटी सी है, वो लेकिन मतलब तो बहुत बड़ा है। वो कहने को तो कुश्ती है, वो लेकिन है तो ये लड़ाई ना। एक काम करते हैं, और हम कुश्ती लड़ने की बजाय ना, वो कुश्ती झगड़ा करते हैं। कुश्ती झगड़ा? ऐ क्यों होता है? वो बताता हूँ ना भाई, वो तू ना उधर ही रहना और मैं ना इधर ही रहूंगा। वो तू उधर से कुछ बोलेगा, मैं इधर से कुछ बोलूंगा। वो जैसे तू बोलेगा अरे ओ सांबा, तो मैं इधर से बोलूंगा कितने आदमी थे, और फिर जिसकी बारी पे ज्यादा ताली बजेगी ना वो जीत जाएगा। और हाँ, अगर दोनों की बारी पे बराबर ताली बजी ना, तो फिर दोबारा से एक एक डायलॉग बोलेंगे जैसे तू बोलेगा, और दोनों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मैं इधर से बोलूंगा और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है रंजीत सिंह। हाँ। ओए बस बस, देख भाई बज गई ताली। अच्छा, मैंने तो सुनी नहीं, तो कौन जीता? अरे तू जीता, तू, और मैं हार गया। ठीक है, ला भाई 5,000 रुपए दे, ला ये ले 5,000 रुपए। तू जीत गया, मैं हार गया, और वापस नहीं आना। ठीक है? और ठीक है भाई, वो तू कह रहा है ना, तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ। हाँ, ओ देखा पिंड वालों तुमने, ओ ये पहलवान ना मुझे 5,000 रुपए की रिश्वत दे रहा है अपनी जान बचाने के लिए। फड़ो, रंजीत अंकल को कैसे बचाऊं?